Okay, good afternoon, everyone. I hope you can see the screen and you can hear me as well, right? Yeah. Please respond in the chat box. Fine. Okay, good afternoon. Good afternoon. So, what was the homework in the last class? Tera batayega molecular orbital theory mein aapko kya homework diya gaya tha? Everybody, what was the homework given to you? Intake exercise 8. ठीक है, intake exercise 8. देखो, अभी हमने last class में क्या सीखा था? Molecular orbital theory की बात हो रही थी, right? हम लोग बात कर रहे थे molecular orbital theory. MOT की, right? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक मैं बेसिक रिवीजन करा देता हूं. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है तो वहां पे एनर्जी गैप डेल्टा ई लार्ज होता है, इसलिए नो 2s2p मिक्सिंग, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? और इसका ऑर्डर आता है 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz. जो भी इलेक्ट्रॉन है 2 सपोज, so pi 2px let's say equal to pi 2py, ठीक है ना? उसके बाद pi star 2px pi star 2py, ठीक है, फिर sigma star 2pz, ठीक है. मान लो number of electrons less than 14 रहेंगे, number of electrons less than 14 रहेंगे तो उस केस में डेल्टा ई एनर्जी गैप लेस होगा और वहां पे होगा एसपी, यहाँ पे होगा क्या, एसपी मिक्सिंग, राइट? और वहां पे ऑर्डर आएगा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो भरने की भी जरूरत नहीं है, ये हम लोग देखेंगे, अभी हमने किया नहीं था कैसे एसपी मिक्सिंग होता है, टेंशन मतलब करेंगे, ठीक है ना? तो ये आता है पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार पीजेड. एवरीबॉडी, ये लिखना तो नहीं है ना किसी को? डू यू वांट टू राइट दिस एनीवन? फाइन, कैन आई स्क्रॉल डाउन? चलो स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे. तो चलिए ठीक है बच्चों, बताइए अभी हम बात करेंगे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 8 की. इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 8 की सिद्धेश, ओके आई विल गो टू द लास्ट स्लाइड. मुझे ऐसा लगा तुम लोग नहीं लिखोगे क्योंकि ये तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं ना, ये तो मैं एक रिवीजन करा रहा था ताकि तुम्हें दिमाग में चीजें आ जाएं, फिर हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए. रिटन एवरीवन? ओके, तो इंटेक्स एक्सरसाइज 8 में किसमें डाउट है बताओ? 1 to 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. ओके ठीक है, फाइव, क्वेश्चन फाइव पे आ जाते हैं. 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या है? ये 2px2 लिखा है, इसमें कुछ गड़बड़ है एक्चुअली, क्वेश्चन में गड़बड़ है. ठीक है, स्टार 2px होना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में सिग्मा स्टार 2s लिखा ही नहीं है, इसे तो पाई स्टार 2px लिख दिया. ठीक है, हम दोनों केस करके देख लेते हैं, रुक जाओ. ये जो दिया है यहाँ उसको लिख लेते हैं, सिग्मा एस सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s पाई स्टार 2px, ठीक है, फिर लिखा है पाई 2py, और लेकिन ये नहीं हो सकता यार, पाई स्टार 2px पहले कैसे आ जाएगा? ना तो पॉसिबल है ही नहीं, इसको हम नहीं मान सकते, ठीक है एवरीबॉडी, ये पॉसिबल नहीं है, पाई स्टार 2px इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, इसको सही नहीं मान सकते, मतलब क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा है इसका कोई पॉसिबिलिटी बनता ही नहीं है, वो पाई स्टार 2s ही होना चाहिए, क्वेश्चन में ही मिस्टेक, मिसप्रिंट है वो एक्चुअली में, पाई 2px2 पाई 2py2. इसके लिए बताओ कितना होगा? देखो बॉन्डिंग में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग में कितना है एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4 तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2 आएगा राइट इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा ठीक है 3 नहीं गलत है वो कुछ अलग ही कहानी बयान करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट बताइए ध्रुविल इज आस्किंग क्वेश्चन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर 1/2 अच्छा बॉन्ड ऑर्डर 1/2 किसका होगा बताओ ध्रुविल यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है O2 के केस में 2 होता है N2 के केस में क्या आएगा एवरीडे N2 के केस में क्या होगा 3 F2 के केस में होगा 1 तो आप खुद सोचो यही बच गया तुम्हारे पास ट्रिक वाले से तो किया है हमने अरे H2 में 1s और 1s इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है ना और उसमें से एक निकल गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s में क्या होगा एवरीबॉडी सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन और स्टार 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1/2 Nb माइनस Na यानी 1/2 × 1 1/2 आ रहा है किसी को ये तो बहुत ही सरल बहुत ही आसान जिसको बोलते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 N2R O2R कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायंस देखो N2 जब N2 माइनस में कन्वर्ट होगा और O2 जब कन्वर्ट होगा O2 माइनस में तो यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर 3 यहां पे 15 है 2.5 यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर 2 यहाँ 17 है 1.5 इज दैट क्लियर एवरीबॉडी इज दैट क्लियर तो अब जरा और स्टेटमेंट्स पढ़ो एन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है यहाँ ए में N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा राइट तो ये बात तो सच है ना तो ये वाली चीज सही है लेकिन पूछा है कि कौन सा गलत है तो ये आंसर नहीं होगा बिकॉज ये तो सही है अब O2 में देखो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो लिखा है इंक्रीज तो यही गलत है और यही अपना आंसर है ना पूछा है कौन सा गलत है एवरीबॉडी इज दैट क्लियर तो ये वाली चीज गलत है इसलिए यही अपना आंसर है इसमें किसी और को कोई डाउट है Everybody please respond in the chat box. Is that clear? VK Jaiswal के doubts कब discuss होंगे? रुक जाओ अभी पहले module करेंगे उसके बाद ही बात करेंगे इसकी. 10th option में C रहना चाहिए ना. 10th option की बात. 10th question में okay. Everybody ये सबने लिख लिया? Everybody ये सबने लिख लिया? Okay. क्वेश्चन नंबर 10 द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन O2 2 देखो O2 2 माइनस में तुम्हें एंटी बॉन्डिंग में पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है तो अब लिखो इसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक है और कोई तरीका तो है ही नहीं अपने पास कितने हो गए एवरीबॉडी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 राइट तो आपसे ये पूछा जा रहा है कितने एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 1 2 3 4 ठीक है 4 पेयर है ना देखो पेयर नंबर 1 पेयर नंबर 2 एंटीबॉन्डिंग का पेयर नंबर 3 पेयर नंबर 4 सो देयर आर 4 पेयर्स इज दैट क्लियर एवरीबॉडी इज दैट क्लियर ओके तो
अभी हम बात करते हैं किसकी। अच्छा एसपी मिक्सिंग तुम लोगों को पढ़ना है क्या? डू यू वांट टू स्टडी एसपी मिक्सिंग या छोड़ सकते हैं? एसपी मिक्सिंग करना है या फिर नहीं करना है? ठीक कॉन्सेप्ट ऑफ एसपी मिक्सिंग इन एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में व्हाट एग्जैक्टली इज एसपी मिक्सिंग, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देखो हम ये जानते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 14 तो वहां पे एनर्जी गैप कम होता है या ज्यादा होता है? एनर्जी गैप लेस है, देयरफॉर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसपी मिक्सिंग, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन, राइट इट डाउन देन। रिटर्न हाँ, तो अभी एनर्जी गैप के आगे बता रहे हैं, राइट इट डाउन एवरीवन। तो अब देखो नॉर्मल कौन, नॉर्मल क्या होता है और यहां पे क्या होगा, लेट अस सी दिस। ओके सिद्धेश, किधर जाने बोल रहे हो? अच्छा लिखने में कितने लोगों को तकलीफ होती है, मतलब हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू आर गेटिंग लेस टाइम टू राइट? एवरीबॉडी, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि आपको टाइम कम मिल रहा है लिखने के लिए? ओके और टाइम कितना परसेंट चाहिए? ओके फाइन, आई विल गिव यू मोर टाइम, नो इश्यूज। रिटर्न अभी लिख लिया सबने? ओके ठीक है, लेट अस नाउ टॉक अबाउट नॉर्मल कॉन्फिग्रेशन और यहाँ पे देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। देखो तो नॉर्मल कॉन्फिग्रेशन में दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है? तो अब ये देखो 1s और 1s ऑर्बिटल्स एक साथ नजदीक आ रहे हैं, एवरीबॉडी जरा ध्यान से सुनो, 1s और 1s ऑर्बिटल्स एक साथ नजदीक आ रहे हैं, तो 1s और 1s के मिलने से एक क्या बनता है एवरीबॉडी जरा बताइए? सिग्मा 1s बनता है और सिग्मा स्टार 1s बनता है, राइट? फिर क्या होगा, 2s और 2s के मिलने से क्या होता है वो देखते हैं। 2s और 2s के मिलने से बनेगा सिग्मा 2s और मतलब सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड क्लियर। ओके अब देखो नॉर्मली होता यह है कि सिग्मा 2pz नीचे रहेगा, फिर आ जाएगा क्या, दिस इज पाई 2px पाई 2py, इसके ऊपर होगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और फाइनली होगा सिग्मा स्टार 2pz। ये तो नॉर्मल ऑर्डर है ना एवरीबॉडी, यही नॉर्मल ऑर्डर हमने सीखा है, कुछ और सीखा है क्या? तो ये नॉर्मल ऑर्डर होता है,
अब मान लो ये वाली एनर्जी गैप यानी 2p और 2s के बीच में, यदि ये एनर्जी गैप रिलेटिवली कम है, इफ डेल्टा ई इज लेस, यानी ये वाली एनर्जी गैप यदि रिलेटिवली कम हो जाती है, तो क्या करेंगे बताओ? एवरीबडी, यदि ये वाली एनर्जी गैप रिलेटिवली कम हो जाती है, देन व्हाट कैन वी डू? तो अब यहां पे हमें देखना है कि यहाँ पे ये एनर्जी गैप कम होने पे क्या होगा। तुम्हें नहीं लगता है जब सेम सी जब ये दोनों नजदीक आएंगे और इनकी एनर्जी गैप कम होगी, तो ये ऑर्बिटल्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को? ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है, द ऑर्बिटल्स स्टार्ट रिपेलिंग, यानी द ऑर्बिटल्स ऑफ 2s एंड 2p स्टार्ट इंटरैक्टिंग, और रिपेलिंग, ठीक है, ईच अदर। देखो अभी तो लिख रहा हूं ना, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे तुम्हारे पास ये 2s है और ये 2p है, तो 2s और 2p के नजदीक आने की वजह से एनर्जी गैप 2s और 2p के बीच में रिलेटिवली काफी कम है। ये तो हमने सीखा था ना कि 14 इलेक्ट्रॉन से कम होने पे एनर्जी गैप कम होता है। Is that clear? 14 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने पे एनर्जी गैप कम होता है, ये बात हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, अब मान लो दो लोग हैं जो कि दुश्मन है एक दूसरे के, दोनों को साथ में बिठाओ तो मुक्केबाजी चालू कर देंगे, मारपीट, एकदम सर फोड़ देंगे सामने वाले का, ठीक है? तो अब यदि वो काफी दूर हैं तो ऑब्वियसली झगड़ा करेंगे क्या? एवरीबडी, यदि वो दूर है तो झगड़ा करेंगे? नहीं। अब यदि नजदीक आ गए तो? नजदीक आ गए तो करेंगे। तो अब जब एनर्जी गैप कम है, राइट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे 14 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहां पे एनर्जी गैप कम होता है, राइट? तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से ऑब्वियसली 2s और 2p रिपेल कर सकते हैं ना एक दूसरे को, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर? अब ये देखो, बोरॉन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है 2p में p ब्लॉक से स्टार्ट होती है, बोरॉन से। तो b2 में तो 12 इलेक्ट्रॉन से ही होगा ना, देखने को मिलेगा, ये बात तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो ही 2s 2p मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है ना? अब यहाँ पर हम बात ये समझ गए हैं कि 2p 2p मिक्सिंग होने का मतलब है 2s और 2p रिपेल करने लगेगा। तो अब बताओ कौन किसको रिपेल करेगा, ये समझने की कोशिश करो कि ऑर्बिटल्स विद सिमिलर ओरिएंटेशन विल रिपेल अगेंस्ट ईच अदर। उधर सिग्मा स्टार नहीं आएगा ना, क्यों? 2s में ये सिग्मा स्टार क्यों नहीं आएगा भावेश? ये सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा 2s है और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s है, इसकी बात कर रहे हो क्या भावेश? हाँ, यहाँ पर सिग्मा 2s आएगा और ऊपर सिग्मा स्टार 2s होगा, वो तो ठीक है। तो अब जरा देखो, ये दोनों नजदीक लेकर के आ गए हैं तो ये दोनों रिपेल करने लगेंगे, तो बताओ कौन किसको रिपेल करेगा? बताओ कौन किसको रिपेल करेगा? देखो, बॉन्डिंग बॉन्डिंग को रिपेल करेगा, एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ लिख देता हूं, एबीएमओ को रिपेल करेगा, सिग्मा सिग्मा को रिपेल करेगा, और पाई पाई को रिपेल करेगा। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, बॉन्डिंग बॉन्डिंग को रिपेल करेगा, एंटी बॉन्डिंग को रिपेल करेगा, सिग्मा सिग्मा को रिपेल करेगा, पाई पाई को रिपेल करेगा। ये समझ में आ रहा है क्यों? अरे क्योंकि दोनों के ओरिएंटेशन एक जैसे होते हैं तभी रिपेल करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी होती है। जैसे तुम सोचो कि मान लो पाई का एबीएमओ है, तो ये एक एबीएमओ है, ये एक एबीएमओ है, तो दोनों एक तरह के ओरिएंटेशन रहेंगे तभी तो रिपेल कर पाएंगे, समझ में आ रहा है? फिर बॉन्डिंग बॉन्डिंग एक जैसा रहेगा तो ही तो रिपेल करेगा। तो ये बात समझने की जरूरत है कि जिनके बेसिकली, हाँ, आई विल श्रेयस कम टू योर पॉइंट, पहले मुझे धीरे धीरे स्टेप वाइज चलने दो। हमें ये समझना है सबसे पहले कि जिनके ओरिएंटेशन सिमिलर है ना, वही रिपेल करते हैं, मतलब बॉन्डिंग बॉन्डिंग को रिपेल करेगा, एंटी बॉन्डिंग को रिपेल करेगा, सिग्मा सिग्मा को रिपेल करेगा, पाई पाई को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर डायरेक्शन में है। इज दैट क्लियर एवरीबडी?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी सिमिलर डायरेक्शन में है तो वही अच्छे से रिपेल कर सकते हैं। जैसे तुम्हें पता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस रिपेल नहीं करते। इज दैट क्लियर? और यहां साथ में इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिपल्शन ही है। तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि कौन किसको रिपेल कर रहा है। एवरीबॉडी जरा ध्यान से देखो, तो जब ये नजदीक आ गए तो कौन किसको रिपेल करेगा? सिग्मा रिपेल करेगा, जस्ट ए मिनट, ये सिग्मा 2s रिपेल करेगा सिग्मा 2pz को। यहां पे मैं रिपल्शन लिख देता हूं, जस्ट ए मिनट एक बार देख लो, उसके बाद डाउट होगा तो पूछना। रिपल्शन किसके किसके बीच में होगा? सी, सिग्मा 2s रिपेल करेगा सिग्मा 2pz को, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s रिपेल करेगा सिग्मा स्टार 2pz को, ठीक है। पाई ऑर्बिटल्स नो पाई ऑर्बिटल्स नो रिपल्शन, विल नॉट एक्सपीरियंस रिपल्शन। ये समझ में आ रहा है क्यों? पाई ऑर्बिटल्स रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे कोई पाई है नहीं रिपेल करने के लिए। इज दैट क्लियर? नीचे कोई पाई है नहीं ना रिपेल करने के लिए। तो जब नीचे कोई पाई है नहीं रिपेल करने के लिए, तो इनकी एनर्जीज में कोई बदलाव नहीं आएगा, इनकी एनर्जी सेम रहेगी। एक्चुअली मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लिखना पड़ जाएगा, ये तुम चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज आई नीड टू रेफर दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन। तो यदि मैं डिटेक्ट कर दूं तो लिख लोगे ना, स्पेस नहीं बचा है, मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। एवरीबॉडी कैन यू राइट दिस, द पाई ऑर्बिटल्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी रिपल्शन, ये लिख लो, इसको डिक्टेट कर दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं बचा है। द पाई ऑर्बिटल्स डू नॉट एक्सपीरियंस, everybody write down, the pi orbitals do not experience any repulsion. kya reason hai iska? because there is no pi orbital in 2s subshell. 2s mein pi kuch hai hi nahi, to repel kaise karega? is that clear? isme kisi ko doubt hai? ab tak jitna humne padha उसमें किसी को डाउट है? सिद्धेश डाउट है उसको, सिद्धेश पूछ रहा है कि क्या बोल रहे हो सर, रिपीट करो। अरे देखो, नीचे एस ऑर्बिटल में तो पाई बॉन्ड है ही नहीं ना, एस ऑर्बिटल में नीचे तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो अब पाई वाले को कोई रिपेल करेगा क्या? पाई वाले को कोई रिपेल करेगा? नहीं रिपेल करेगा, वही मैंने लिखवाया तुम्हें, द पाई ऑर्बिटल्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी रिपल्शन। इज दैट क्लियर? अरे रीजन क्या है? नीचे पाई है ही नहीं ना भैया, रीजन समझ में नहीं आ रहा है सिद्धेश। अरे दो आ रहे हैं, नीचे कोई है ही नहीं ना पाई। नीचे इसमें जब ये नजदीक आएंगे, ये नजदीक आएंगे तो 2s में पाई ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसको रिपेल कैसे करेगा कोई? यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा 2s है, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे सिग्मा स्टार है, तो यहाँ पे पाई कुछ है ही नहीं, तो रिपेल कैसे करेगा वो? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? स्टेटमेंट मैंने बोला है कि पाई ऑर्बिटल्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी रिपल्शन बिकॉज, लिख दूं चैट बॉक्स में, पाई ऑर्बिटल्स डू नॉट एक्सपीरियंस, राइट डाउन, पाई ऑर्बिटल्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी रिपल्शन बिकॉज देयर इज नो पाई ऑर्बिटल, there is no pi orbital, ठीक है, in the s subshell. Everybody written? अब बताओ किसी को कोई डाउट है? अब तक हमने जितना सीखा है उसमें, एवरीडी किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं हम? ओके, तो अब देखो हमने जो सीखा है उसको हम समझते हैं। तो अब रिपल्शन हो रहा है 2s और 2pz के बीच में, ठीक है, रिपल्शन
रिपल्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, इज दैट क्लियर? रिपल्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ये और ये रिपेल कर रहे हैं, ये और ये रिपेल कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब देखो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा ना एवरीबडी, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, सिग्मा स्टार 2s भी नीचे जाएगा और सिग्मा स्टार 2pz भी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को भगाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से दूर, इज दैट क्लियर एवरीबडी? ये चाहेगा इसको ऊपर भगा दें सिग्मा 2pz को, और ये चाहेगा कि सिग्मा स्टार 2pz को एक दूसरे को पुश करेंगे, राइट? तो एक्चुअली में क्या पुश कर सकते हैं, कितना दूर तक पुश कर सकता है? अब बताओ सिग्मा 2pz कितना ऊपर जा सकता है, यहां पर जरा सोचो सिग्मा 2pz कितना ऊपर जा सकता है, क्या इस लेवल के ऊपर जा सकता है सिग्मा 2pz? एवरीबॉडी क्या इस लेवल के ऊपर जा सकता है सिग्मा 2pz? ये उस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि मिक्सिंग के पहले बॉन्डिंग था, बॉन्डिंग रहेगा, ये समझ में आ रहा है? ये इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ये पाई के लेवल के ऊपर तो जा ही सकता है ना, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये पाई के लेवल के ऊपर तो जा ही सकता है, तो अब ये पाई के लेवल के ऊपर जा सकता है तो ये यहां से काट दो और यहां पे इसको चिपका दो, तो अब समझ में आया कि ये पाई 2pz ऊपर क्यों जाएगा? इज दैट क्लियर? हाउएवर पाई ऑर्बिटल्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, पाई ऑर्बिटल्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो पाई ऑर्बिटल्स वैसे ही रहते हैं, इज दैट क्लियर? व्हाई कैन इट, बिकॉज ऑब्वियसली बॉन्डिंग ही रहेगा ना, पाई के ऊपर जाने के बाद भी तो ये बॉन्डिंग ही रहेगा, एंटी बॉन्डिंग थोड़ी हो जाएगा, अरे मिक्सिंग के पहले बॉन्डिंग था, बॉन्डिंग रहेगा, यही कॉन्सेप्ट है ना? तो बॉन्डिंग रहने के लिए इस लेवल के नीचे रहे तो बॉन्डिंग रहता है, तो ये बॉन्डिंग तो रह ही सकता है ना पाई के ऊपर, तो पाई के ऊपर चला जाए और इस लेवल के नीचे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो ये घूम ही सकता है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? और सिग्मा स्टार 2pz और ऊपर चला जाता है, समझ रहे हो, सिग्मा स्टार 2pz और ऊपर चला जाता है, बट इससे एनर्जी लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा स्टार 2pz नीचे जाएगा, बट क्या इस लेवल के नीचे जा सकता है ये? एवरीबॉडी क्या सिग्मा स्टार 2s नीचे जा सकता है इस लेवल के? नहीं, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग था, एंटी बॉन्डिंग रहेगा, समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 2pz का चेंज हुआ है, समझ में आया? एनर्जी इन सब के चेंज हुए, बट ऑर्डर सिर्फ 2pz का चेंज हुआ है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, एंड दिस इज कॉल्ड एसपी मिक्सिंग। तो ये चीजें हैं, इन सब के एनर्जी चेंज हो जाती है, तो सिग्मा स्टार 1s भी नीचे, अच्छा सिग्मा स्टार 1s नीचे आएगा क्या? एवरीबॉडी सिग्मा स्टार 1s नीचे आएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उसके केस में, क्योंकि यहां पे तो एनर्जी गैप ज्यादा है ना, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी भरे हुए हैं, यहां पे एनर्जी गैप कम है, सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसपी मिक्सिंग। अब देखो ये कहानी तुम्हें समझ में आई कैसे ही? तो अभी आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट इट डाउन। पहले इसको फोटो तो बनाओ,
राइट डाउन एवरीबडी. कंपेरेबल एनर्जी मतलब क्या? 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप कम है, वो तो समझाया था ना लास्ट क्लास में सिद्धेश, उसको तो समझाया था ना तुम्हें लास्ट क्लास में कि 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप कम है क्योंकि 2p में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं. इज दैट क्लियर? ओके देन राइट इट डाउन. स्टेटमेंट डिक्टेट कर देंगे, पहले लिख तो लो, इतना फोटो जो बनाया वो बना लो. एवरीबॉडी ये सब लिख लिया सबने? लिखो आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं. ओके फाइन, तो मैं तुम्हें बेसिकली समझाऊं कि हो क्या रहा है. तो एक बार बेसिक समझो क्या है कि डेल्टा ई एनर्जी गैप लेस है, इसीलिए 2s और 2p का इंटरैक्शन होता है. मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, और इस इंटरैक्शन को बोलते हैं sp मिक्सिंग. ये बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं. Now, orbitals with similar orientation repel against each other. यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? Similar orientation repel against each other. मतलब क्या है? Bonding bonding को repel करेगा, एंटी बॉन्डिंग को रिपेल करेगा, सिग्मा सिग्मा को रिपेल करेगा, पाई पाई को रिपेल करेगा, सिग्मा स्टार को रिपेल करेगा, पाई स्टार को रिपेल करेगा. क्यों? क्योंकि सिमिलर चीजें ही चार्ज रिपेल करती हैं. जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, उसी तरह से जैसे मैं समझाऊं कि ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पाई स्टार है ये इस तरह से, तो दूसरा पाई स्टार भी इसी तरह से होगा. तो ये दोनों नजदीक आएंगे तो ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? क्योंकि ये सिमिलर ओरिएंटेशन वाले हैं, तो सिमिलर ओरिएंटेशन वाले जब नजदीक आएंगे तो रिपेल करेंगे. ये बात तो चमक रही होगी. तो अब देखो ये वाली कहानी तो इतनी ही है. इसके बाद क्या होता है? पाई ऑर्बिटल्स यानी कि पाई 2px हो गया, पाई 2py हो गया, एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py डू नॉट एक्सपीरियंस एनी रिपल्शन. ये मैंने डिक्टेट करवाया था, क्या रीजन है पता है ना? डू नॉट एक्सपीरियंस एनी रिपल्शन. ये कोई एक्सपीरियंस करते ही नहीं है रिपल्शन. क्यों नहीं करते रिपल्शन एक्सपीरियंस बताओ एवरीबॉडी? व्हाई डोंट दे एक्सपीरियंस एनी रिपल्शन एवरीबॉडी? क्या रीजन था? एस में पाई होता ही नहीं है, राइट? ये लिखवाने की फिर से जरूरत तो नहीं है ना मुझे? ठीक है, तो पहले इसको लिखो, फिर आई विल स्क्रोल इट डाउन. राइट इट एवरीवन.
रिटर्न एवरीवन, एवरीवन डन? ओके वेट कर रहा हूँ. Done everyone. Okay. नाइट्रोजन में दोनों करोगे तो सरायू सेम ही आएगा. एसपी मिक्सिंग करो या ना करो. अच्छा 14 इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा एवरीबडी? 14 इलेक्ट्रॉन पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम बॉन्ड ऑर्डर देंगे. ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो. यदि 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो अब देखो यहाँ पे है कि ये कोई रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करते, यानी पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई और पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई कोई रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करते. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी. अब जरा बात करते हैं क्या होगा. अब देखो सिग्मा टू एस रिपेल करता है सिग्मा टू पी जेड को. ठीक है, फिर सिग्मा स्टार टू एस रिपेल करता है सिग्मा स्टार टू पी सेड को. यही है ना कहानी. एवरीबडी यही है ना बात. तो अब होता क्या है, सिग्मा टू एस की एनर्जी कम हो जाती है. ठीक है, सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी बढ़ जाती है, सिग्मा स्टार टू एस की एनर्जी कम हो जाती है और सिग्मा स्टार टू पी जेड की एनर्जी बढ़ जाती है. ये समझ में आ रहा है ना, एनर्जी चेंजेस. एवरीबडी ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एनर्जी चेंजेस तो यही होते हैं ना. तो अब देखो ये है टूपी, ये है टूपी. ठीक है, अब बदलाव क्या होता है, बदलाव आई विल टेल यू क्या होता है, तुम्हें पता ही है अब तो कहानी. तो अब देखो क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होगी राइट, सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी कम हो गई. बट क्या इस लेवल के नीचे हो सकती है एवरीबॉडी? सिग्मा स्टार की एनर्जी इस लेवल के नीचे जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है. क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि यदि इसके नीचे चली गई तो ये एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग बन जाएगा, जो कि अलाउड होगा ही नहीं. जैसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था sp3 में, तो उसकी एनर्जी s और p के बीच में ही रहती थी राइट. तो इसके नीचे नहीं जा सकता है इसकी एनर्जी, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तो बॉन्डिंग हो जाएगा. तो सिग्मा टू स्टार जो है वो इसके नीचे नहीं जा सकता, थोड़ा नीचे आएगा बट इस लेवल के ऊपर ही रहेगा और ये और ऊपर चला जाएगा. इनको तो कोई रिपल्शन है ही नहीं राइट, पाई वालों को तो कोई रिपल्शन है ही नहीं ना. अब देखो क्या है, सिग्मा टू एस जो है ये भी नीचे जाएगा क्योंकि इसको रिपेल कर रहा है, यहां ऑर्डर चेंज नहीं होगा. अब सिग्मा टू पी जेड जो है ये वाला रिपल्शन, यहाँ पे ये वाला रिपल्शन थोड़ा सिग्निफिकेंट है एवरीबॉडी. ये वाला रिपल्शन जो समझ में आ रही होगी, ये वाला रिपल्शन सिग्निफिकेंट है. अब ये क्या है, सिग्मा टू पी जेड यहां तक तो जा ही सकता है एवरीबॉडी, इसके ऊपर नहीं जा सकता है. सिग्मा टू पी जेड इसके यहां तक तो जा ही सकता है ना, क्योंकि यहां तक इसके नीचे रहना है तो बॉन्डिंग रहेगा. इसके यहां तक ये जा ही सकता है, तो ये यहां से चला जाता है इस लेवल पे और इसको हम बोलते हैं एसपी मिक्सिंग. यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड. तो ये डिक्टेट कर दूं क्या?
ठीक है, सो पहले इसको लिख लो, डन एवरीवन। ओके सो राइट डाउन, इसको डिक्टेट कर देता हूं। The orbitals, write down the orbitals, dictate कर रहा हूं, लिखो इसको। The orbitals sigma 2s and sigma 2pz. The orbitals sigma 2s and sigma 2pz. Written everyone. The orbitals sigma 2s and sigma 2pz start repelling against each other. Written. The orbitals sigma 2s and sigma 2pz start repelling against each other. Written. उसके बाद लिखो the energy of sigma 2pz orbital. The energy of sigma 2pz orbital cannot go, the energy of sigma 2pz orbital cannot go above the average energy of 2p subshell. ये समझ में आ रहा है? Cannot go above the average energy level of 2p subshell. एवरेज एनर्जी कौन सा है समझ में आ रहा है? ये इसके ऊपर नहीं जा सकता, नहीं तो इसके ऊपर चला जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, राइट? तो इसके नीचे ही रहना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? द एनर्जी ऑफ टू सिग्मा टू पी जेड ऑर्बिटल कैन नॉट गो अबव द एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ टू पी सबशेल। इज दैट क्लियर? तो इसके नीचे रहेगा तो ही बॉन्डिंग होगा, नहीं तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो पहले बॉन्डिंग था तो बाद में भी बॉन्डिंग रहेगा, तो इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके नीचे ही रहेगा। हाउएवर, राइट डाउन, हाउएवर इट कैन गो अबव द एनर्जी लेवल ऑफ पाई। इज दैट क्लियर? हाउएवर इट कैन इजीली गो अबव द एनर्जी लेवल ऑफ पाई 2px एंड पाई 2px एंड पाई 2py। पाई 2px एंड पाई 2py। एवरीबॉडी रिटर्न? ओके। दिस कंसेप्ट right on this concept is known as sp mixing। अब आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी, रिटर्न एवरीवन। ये फोटो सबने ड्रॉ कर लिया है। ओके ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ होमो
एंड लूमो इन एम ओ टी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. लेट अस सी व्हाट इज होमो एंड लूमो इन एम ओ टी. होमो और लूमो क्या होते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो सी होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल. एंड ल्यूमो इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब जैसे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है राइट, दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो लोग जो है थर्ड फ्लोर तक रहते हैं. देयर आर पीपल टिल थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब खाले खाली. तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या हुआ एवरीबॉडी, व्हाट इज होमो ओवर हियर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या हुआ, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी लोग रह रहे हैं. तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या हुआ, थ्री. तो ये आ गया आपका होमो. और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड क्या हुआ एवरीबॉडी, ये हो गया ना, ये हो गया लूमो. इज दैट क्लियर. तो ये हुआ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो. लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब क्या है एवरीडी, अरे फाइव भी अनऑक्यूपाइड है, सिक्स भी अनऑक्यूपाइड है, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा हुआ सिद्धेश. फोर्थ है ना लोएस्ट अनऑक्यूपाइड. उसी तरह से सेवेंथ भी अनऑक्यूपाइड है, लोग यहीं तक रहते हैं. तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड हुआ फोर्थ. और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, जीरो पे भी लोग रहते हैं, फर्स्ट पे भी रहते हैं, सेकंड पे भी रहते हैं. तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फोर है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड सॉरी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड थ्री है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड फोर है. ये समझ में आया. इसमें किसी को डाउट है होमो और लूमो में? ओके ठीक है ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहां पे क्या है, जैसे तुम ऑक्सीजन की बात करो तो 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 दो दो चार दो आठ दो दस दो बारह पाई 2px2 पाई 2py2 ठीक है. बारह और चार सोलह, दो दो चार दो छह दो आठ दो बारह चार सोलह ठीक है. सोलह इलेक्ट्रॉन हो गए. तो इसका ल्यूमो क्या है और होमो क्या है बताओ एवरीबॉडी. ये है ल्यूमो और ये है होमो. ये समझ में आ रहा है. यही है ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और यही है ना लोएस्ट अनऑक्यूपाइड. इज दैट क्लियर. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या हुआ, ये हो गया ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ये है. तो अब होमो और लूमो पढ़ने का कोई ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है एवरीडी. होमो और लूमो, अच्छा सिग्मा स्टार टू पी जेड लूमो क्यों होगा यार, यहां पर तो फोर्थ फ्लोर अनऑक्यूपाइड है, फिफ्थ भी अनऑक्यूपाइड है, सिक्स्थ भी अनऑक्यूपाइड है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड देखते हैं ना. आयुष इज दैट क्लियर. लोएस्ट अनऑक्यूपाइड तो ये सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला है, तो ये है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड. इसमें और किसी को डाउट है होमो और लूमो आइडेंटिफाई करने में, किसी को दिक्कत है? एवरीबॉडी आर यू क्लियर विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमो एंड लूमो, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ओके देन राइट इट डाउन. कहाँ
कहां तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरे हैं ये समझेगा कैसे? हाँ, जहां तक भरे उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे ना श्रेयस। पाई स्टार में 1-1 क्यों होगा? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 4, 14। एक सेकंड, देख लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 4, 14। हाँ तो ये अच्छा, एक सेकंड, सॉरी 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 हमने 16 इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं, अभी 14 ही भरे हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। ठीक है, तो अब पाई स्टार हो जाएगा 2PZ। तो अच्छा ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। अब बताओ क्या है। तो अब होमो तो ये हुआ ना और लूमो ये हुआ, ठीक है, वैसे बोल रहे थे तो सही है। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 4, 14 और 2, 16। ठीक है, हाँ होमो ये हो गया, लूमो ये हो गया। इज दैट क्लियर? और किसी को डाउट है? सोलह इलेक्ट्रॉन थे, हमने 14 ही भरे थे, वो गलत है, तो हमने सही कर लिया, 16 भर दिया दोनों। अरे इन दोनों की एनर्जी सेम है ना, तो ये दोनों आएंगे ना होमो में, एवरीबॉडी ये दोनों आएंगे, या कोई एक ही आएगा? एवरीबॉडी दोनों आएंगे ना, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। ओके, रिटर्न एवरीवन, सबने लिख लिया इसको? ठीक रिटर्न नॉट? ओके, कितने लोगों को होमो और लूमो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है अभी भी? जैसे ये 1s है, ये 1s है, ठीक है, आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो 1s का ये बॉन्डिंग होगा, दिस इज लेट्स से सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया 2s। जस्ट अ मिनट, ये हो गया 2s, ये हो जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, राइट। ये 2p और ये 2p, ठीक है, सिग्मा 2pz, ठीक है, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है, ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है, फिर आ जाएगा ये सिग्मा स्टार 2pz। तो अब हम O2 की बात कर रहे हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और ये हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड है। तो अब बताओ होमो क्या है, एवरीबॉडी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या है? ये दोनों सेम एनर्जी पे हैं या अलग अलग हैं? एवरीबॉडी, ये दोनों सेम एनर्जी पे हैं अलग अलग? ये तो ऑर्डर एनर्जी का ही है ना। एवरीबॉडी, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py सेम एनर्जी पे हैं अलग अलग? सेम पे हैं, तो ये होगा ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और ये होगा ना लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब होता क्या है कि व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन होमो, यदि फोटोन इंसिडेंट होगा होमो पे, देन
इट कैन अंडरगो एक्साइटेशन टू लूमो, ठीक है, अपॉन डी एक्साइटेशन, अपॉन डी एक्साइटेशन the color upon de-excitation a photon is emitted which decides the color of molecule. ये बात समझ में आ रही है सबको? Everybody, होमो से इलेक्ट्रॉन लूमो में जा सकता है, एक्साइट हो सकता है, फिर वापस डीएक्साइट होगा, तो अब जो कलर फोटोन का होगा यदि विजिबल में आएगा तो हमें दिखेगा, और यदि विजिबल में नहीं आएगा तो नहीं दिखेगा. तो तुम्हें नहीं लगता है डायटोमिक सिस्टम के लिए, एवरीबॉडी, तुम्हें नहीं लगता है डायटोमिक सिस्टम के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफी कुछ बता देता है? ध्रुविल, अभी तुम्हारा क्लियर हुआ कंसेप्ट होमो और लूमो का? अभी भी डाउट है? आयुष एंड ध्रुविल, आर यू क्लियर नाउ? दो ऑर्बिटल भरे हैं, एक उससे फर्क नहीं पड़े. नहीं, दो ऑर्बिटल हैं बट दोनों अनपेयर्ड है ना श्रेयस? दो ऑर्बिटल भरे हैं बट दोनों अनपेयर्ड हैं, तो एक्साइट तो हो ही सकता है ना. रिटर्न एवरीवन. लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, लिखो आराम से. लास्ट स्टेटमेंट नहीं समझे? व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ होमो. अरे फोटोन, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तुमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तुमने, सिद्धेश, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर्स देखे हैं? तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा ही है कि एक्चुअली होता क्या है, फोटोन एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को जिससे वो एक्साइट हो सकता है और हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है. तो मिनिमम एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा वो कहां जाएगा? जस्ट उसके ऊपर जाता है, उसको यहां पे हम लोग बोलते हैं लूमो. तो जो मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी पे जा रहा है, तो वापस जब उतरेगा डी एक्साइट होगा, तो इसीलिए उसके केस में कलर आएगा. भावेश बोल रहा है तो सिर्फ ये थ्योरी क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि भावेश, ये सिर्फ डायटोमिक के लिए एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है. ये उन जगह पे एप्लीकेबल है जहां हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी नहीं लगती. इज दैट क्लियर? बाकी तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर ही देता है ना. दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू बोर्स थ्योरी, सॉरी बोर्स थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, डायटोमिक मॉलिक्यूल. ओके, और डिटेल में पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? काफी डिटेल हो गया है. तो मजा आ रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ के? अमन बोल रहा है नहीं. ओके. अच्छा एक और चीज होता है, ये पढ़ना चाहोगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन केस ऑफ डिफरेंट एटम्स, मतलब समझ में आ रहा है? डिफरेंट एटम्स के केस में जैसे कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है, सी एन माइनस, ठीक है, ओ एफ, इस तरह के केस में, तो इस तरह के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं क्या? एवरीबॉडी, इस तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं?
एक्चुअली तुम देखो तो ओ एफ भी एग्जिस्ट कर सकता है हाई वेपर फेज में. अब इसमें तुम देखो 8 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें होता है 9 इलेक्ट्रॉन, 17, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1.5 आता है. ठीक है, यदि तुम ओ एफ माइनस बना दोगे ना, ओ एफ माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है वेपर फेज में. तो अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहां भी लग जाती है, जबकि इस तरह के मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ते नहीं है. ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बोलो तो CO में 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा. ठीक है, ठीक है, CN माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं. OF में 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा. OF माइनस में 18 है तो 1 होगा. MOT हर केस में डायटॉमिक के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, बट HCl में नहीं लगता है. एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी कैन यू अप्लाई MOT टू HCl? क्यों नहीं लगेगा पता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा अंतर है. ये समझ में आ रहा है? हमने पढ़ा था कि मिक्सिंग तभी होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का जब एनर्जी सेम हो. तो यहाँ फिर भी हो सकता है, यहाँ फिर भी हो सकता है, यहाँ फिर भी हो सकता है, क्योंकि देख रहे हो 7, देखो कार्बन 6 है, ये 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका 7 है, इसका 8 है और इसका 9 है, तो एक दो डिफरेंस तो चलता है, बट यहाँ पे नहीं चलेगा. ये तो एक तरह से आयनिक बॉन्ड है. इज दैट क्लियर? तो इन केसेस में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लग जाती है ऐसे केसेस में. ठीक है, राइट इट डाउन. MOT में हम नॉर्मली एटॉमिक नंबर 20 से नीचे वाले ही पढ़ते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. डन. ओके डन. तो अब देखो क्या है, अब देखो जैसे हम तुम कार्बन की बात करेंगे ना तो थोड़ा सा यहां पर अलग हो जाएगा. जैसे तुम बात करो किसकी, अलग अलग एलिमेंट जैसे कार्बन की, तो तुम्हें नहीं लगता है कार्बन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इधर कार्बन लिख दिया तुमने, इधर ऑक्सीजन लिख दिया, तो कार्बन का 1s न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर होगा. राइट डाउन सिद्धेश. रिटर्न सिद्धेश. देखो डाइ यहां पर बात करते हैं, कार्बन का जो 1s है और ऑक्सीजन का जो 1s है, दोनों की एनर्जी सेम होगी एवरीबॉडी या अलग अलग? एवरीबॉडी कार्बन का जो 1s है और ऑक्सीजन की जो 1s है, दोनों की एनर्जी सेम होगी या अलग अलग? किसकी एनर्जी कम होगी बताओ? अरे हमने पढ़ा है एनर्जी होता है माइनस के इंटू जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन एन प्लस एल. तो 1s में एन प्लस एल तो सेम है, बट जेड इफेक्टिव तो ऑक्सीजन का ज्यादा है ना. एवरीबॉडी जेड इफेक्टिव तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के जो 1s होगी उसकी एनर्जी कम होगी इससे, न्यूक्लियस के वो ज्यादा करीब होगा. ये समझ में आ रहा है? इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और इसमें 8 होते हैं, तो इसका 1s न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, तो इनकी एनर्जी 1s की सेम नहीं होगी. ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबडी इज दैट क्लियर और नॉट? दोनों का n प्लस l सेम है, बट इसमें 6 प्रोटॉन है और इसमें 8 प्रोटॉन है, तो जो 8 प्रोटॉन है वो ज्यादा नजदीक खींचेगा ना न्यूक्लियस के. ये समझ में नहीं आ रहा है?
ये न्यूक्लियस को के ज्यादा नजदीक कौन खींचेगा, ऑक्सीजन या फिर कार्बन? ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा इसीलिए इसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं ना एवरीबॉडी, इसीलिए तो ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है तो बगल वाले के भी खींच सकता है। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, ओब्बो प्रिंसिपल में पढ़ा था, याद है एवरीबॉडी? ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था, ओब्बो प्रिंसिपल में। तो अब जरा देखो, जब हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते रहेंगे, तुम्हें नहीं लगता है कि यदि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो ओवरलैपिंग होगा ही नहीं? एवरीबॉडी तुम्हें नहीं लगता है बहुत ज्यादा हो गया तो ओवरलैपिंग होगा ही नहीं? ठीक है, तो अब जरा देखो, अब यदि इनके एवरेज लेवल डिफाइन किया हमने, तो हमने क्या किया, इनके एवरेज लेवल को डिफाइन किया, ये एवरेज एनर्जी लेवल है, एवरेज एनर्जी लेवल। तो इस एवरेज एनर्जी लेवल के यदि नीचे जो आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, इस एवरेज एनर्जी लेवल के नीचे आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे एवरीबॉडी, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस एवरेज के ऊपर चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे एवरीबॉडी, उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस रेंज में रह गया तो उसको क्या बोलेंगे एवरीबॉडी, यदि इस रेंज में रह गया तो क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये समझ में आ रहा है, यहाँ तीन चीजें बन जाती हैं, यहाँ पर सिर्फ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग नहीं बनता, यहाँ पर एक नॉन बॉन्डिंग भी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? बट बॉन्डिंग वनस से टू पी से, अरे बट यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में जो बॉन्ड बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा ना सारे ऑर्बिटल्स का। इज दैट क्लियर श्रेयस? एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ तुम वीवीटी लगा रहे हो ना तो 1s2p बॉन्ड बना रहे हो, यहाँ तो n प्लस l में l इज सब्सिडियरी वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर से दिस। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर एक बार देखो तो समझ में आएगा ये। एवरीबडी इज दैट क्लियर? सरायू कैन यू रिपीट? सरायू मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बॉन्ड बनने के लिए इस लेवल के नीचे आना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे, यदि ओवरऑल इसके नीचे आ गई तो हम उसको बोलेंगे बीएमओ, इसके ऊपर चली गई तो हम बोलेंगे एबीएमओ, और इस रेंज में आ गई उसको हम क्या बोलेंगे। अरे यहाँ पे और भी होगा, मैं सिर्फ एस की ही बात कर रहा हूँ, मैं सारे थोड़ी बताऊंगा तुम्हें, एक बेसिक से स्टार्ट करूंगा ना, पहले 1s से पूरा थोड़ी बताऊंगा, पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा ना। तो अब यहाँ पे तीन तरह के पॉसिबिलिटीज बन रही है, एक तो बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब यहाँ पे तीन को पॉसिबिलिटीज बनते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग कोई मतलब नहीं है। ठीक है एवरीबॉडी? बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करना, बस इतना ही है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बाकी यू कैन स्टडी जेडीली, तुम्हें CO प्लस का मिल जाएगा वहां। रिटर्न कैन आई स्क्रॉल डाउन नाउ? ओके
रिटर्न एवरी डे रिटर्न ओके अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस फिजिकल इंटरैक्शंस। देखो अब तक जो है हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्रॉपर केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो अपना केमिकल बॉन्डिंग तो हो गया। देखो सारे अट्रैक्शन बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये बात तो तुम्हें पता ही होगा एवरीबॉडी। सारा जो अट्रैक्शन है क्या वो बॉन्ड बना पाता है? कुछ इंटरेक्शन ऐसे होते हैं, ज्यादातर इंटरेक्शन इनफैक्ट ऐसे होते हैं जो बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होते, राइट? उनकी तो कोई बात करता नहीं है, तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं, उन इंटरेक्शंस की जो एक्चुअली में बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इज दैट क्लियर? बॉन्ड बॉन्ड बनना तो वो कंडीशन है जहां पर प्रॉपर कंडीशन सेटिस्फाई हुए, अट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर परमानेंट फिजिकल बॉन्ड बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग फिजिकल इंटरेक्शन की बात करने वाले हैं, मतलब वो इंटरेक्शन की बात करने वाले हैं जो एक्चुअली में बॉन्ड नहीं बन पाता है। जैसे मैंने तुम्हें समझाया था एक बार कि सपोज तुम कोचिंग से निकले या स्कूल से निकले और घर की तरफ चले, ठीक है, तो क्या हुआ, समोसे के ठेले के बगल से गुजरे, समोसा खाने के मन हो गया, फिर समोसे के से आगे निकले, लेट से तुम्हारा एक आइसक्रीम का स्टॉल था, तुम्हें आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, फिर वहां से निकले, तो मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हो अट्रैक्शन बन रहा है, फिर टूट भी जा रहा है, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये जो अट्रैक्शन है ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना कि वो चीज तुम्हारे कितने करीब है। वो चीज जाते ही तुम्हारा अट्रैक्शन खत्म हो जा रहा है और आते ही चालू हो जा रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है एवरीबॉडी? ये अट्रैक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। और ये अट्रैक्शन एक्चुअली में बॉन्ड बनता है क्या? इस अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है? नहीं बनता इस इंटरेक्शन तो इस इंटरेक्शन को पढ़ क्यों है जब बॉन्ड बनता ही नहीं है? तो एवरीबॉडी इस इंटरेक्शन को हम पढ़ क्यों रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इंटरेक्शन डिफाइन करता है फिजिकल स्टेट। समझ में आ रहा है? ये जो इंटरेक्शन है, दीज इंटरेक्शंस, दीज फिजिकल इंटरेक्शंस डिसाइड द फिजिकल स्टेट, decide the physical state and physical properties of substance. देखो physical properties होता है ना कि solid है, liquid है, gas है, पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा, ये सब proper bond तो नहीं बनते ना, तो ये सब भी तो हमें जानना है। Chemical bond तो chemical property बताएगा, physical bond physical property बताएगा। Decide the physical state and physical properties of a substance. सब्सटेंस जैसे क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लाइक स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है एवरीबॉडी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये वो इंटरेक्शन है जो एक्चुअली में बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो सके, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो ये कहानी उन लोगों की है जो एक्चुअली में बॉन्ड नहीं बना सके, बट अट्रैक्शन है। रिटन एवरीवन, ओके। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं एवरीबॉडी? इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है देखो हमें पढ़ना है क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है लंडन फोर्स, या फिर बोल सकते हैं डिस्पर्जन फोर्स। फिर क्या है? डाइपोल डाइपोल। फिर क्या है?
आयन डाइपोल, फिर क्या है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, कलेक्टिवली इनको बोलते हैं, कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एवरीबॉडी बताओ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग राइट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है, और दीज फिजिकल फोर्सेज आर कलेक्टिवली नोन एज, क्या बोलते हैं इनको एवरीबॉडी, दीज फिजिकल फोर्सेज, दीज फिजिकल इंटरैक्शंस, इंटरैक्शंस आर कॉल्ड वंडरवॉल इंटरैक्शंस। अब देखो ये समझने की कोशिश करो, जैसे मीथेन बोलो, प्लास्टिक बोलो, तो हाँ ऑर्गेनिक नहीं, हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज है, यहां पे बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, ओके सो रिटर्न इसको लिख लेगा, लिख लिया तो मुझे बताना। डन, डन, अब आगे बढ़े तो लेट अस स्टार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फोर्स है उसकी अपन बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो सबसे पहले कोई केमिकल बॉन्ड है क्या, एवरीबॉडी सबसे पहले तो ये बताओ कोई केमिकल बॉन्ड है, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, एक फिजिकल इंटरेक्शन है बस, तो इट इज दी हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ बताओ एवरीबॉडी, तुम्हें याद है ना ऑर्डर फोन कॉल, ये ऑर्डर याद है फोन कॉल, तो ये जो फोन है ना ये शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये द हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन शो द फिनोमेना ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करो कि कौन कौन है, सबसे पहले तो कौन, CH3OH, तो ये हाइड्रोजन वन या हाइड्रोजन टू, कौन सा शो करेगा वन या टू एवरीबॉडी, CH3OH है मिथेनॉल, तो ये हाइड्रोजन शो करेगा ना जो इसके साथ बॉन्डेड है, ये शो नहीं करेगा, इज दैट क्लियर, उसी तरह से CH3COOH, तो ये हाइड्रोजन करेगा, ये शो नहीं करेगा, इज दैट क्लियर, देखो ये एसीटोन है तो यहां दोनों हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे राइट, फिर HF की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन शो करेगा, ठीक है, तो सिर्फ वही हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्डेड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, CH4 में कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा एवरीबॉडी, कोई भी हाइड्रोजन नहीं शो करेगा, क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है प्रणव, दैट इज द रीजन, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, FO और N हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, सिर्फ FO और N के केस में ही होता है, एग्जाम्पल कौन सा रिपीट करूं सिद्धेश, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डेड है ना तो ये नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन
तू ये वाला एग्जांपल की बात कर रहा हूँ किसकी? ए लिख देता हूँ, ये बी लिख देता हूँ, ये सी लिख सकता लिख देता हूँ, ये डी लिख देता हूँ, ये ई. विच एग्जाम्पल आर यू टॉकिंग अबाउट? सी. सी में ये दोनों हाइड्रोजन एक्चुअली में कार्बन के साथ बॉन्डेड है. इसमें ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डेड है. दैट इज वाई दे विल नॉट शो द फिनोमेना ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कौन से में हो रहा है? अरे वही हाइड्रोजन जो F, O और N के साथ बॉन्डेड है, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. इज दैट क्लियर? HNO3 शो करेगा. HNO3 में देखो, HNO3 में ये वाला हाइड्रोजन शो करेगा. लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट HNO3. तो यहां जो हाइड्रोजन है वो तो शो करेगा ना. एवरीबडी एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. Will this hydrogen show hydrogen bonding? Obviously, यदि तुम्हारे पास H2SO4 है, तो ये दोनों hydrogen hydrogen bonding में show करेंगे. Is that clear? Okay. अब देखो होता क्या है. Example में बता रहा हूं. जैसे ये HF molecule है, ये HF molecule है. क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव अट्रैक्ट कर देता है, क्रिएट. इज दैट क्लियर? क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच खींच के हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करता है. इज दैट क्लियर? तो अब तो ये इससे बॉन्डेड है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. तो अब ये क्या करेगा, ये इसके लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है. ये समझ में आ रहा है? इसके ऊपर चार्ज है तो ये इसके लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. बट तुम्हें लगता है ये सिर्फ अट्रैक्शन है या कि कभी बॉन्ड भी बनेगा? एवरीबॉडी, यहां बॉन्ड बनेगा कभी? यहां एक्चुअली में कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा. तो इस तरह के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, देखो ये हाइड्रोजन एक्चुअली इसीलिए बॉन्ड होता है क्योंकि इस तरह के एटम्स जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट कर देते हैं. तो ये बगल वाले के लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, दूसरे एलिमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे कोई एक्चुअल बॉन्ड कभी नहीं बनता, बट हाँ ये इंटरेक्शन के वजह से ये दोनों साथ में रहेंगे. समझ में आ रहा है? तो इनका इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. इज दैट क्लियर? मतलब दे विल बी इन अ स्टेट, मतलब दे विल कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, बट इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा. ठीक है, जैसे समझने के लिए मान लो कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, बट फिर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं काउंटर बगल वालों की तरफ, बट ये इधर कभी बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा. ये इनका सी, ये यहां पर परमानेंट बॉन्ड है. जैसे इसकी शादी इससे हो गई, बट ये फिर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये टेम्पररी बॉन्ड है, ये डिस्टेंस हटने पे खत्म हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये टेम्पररी बॉन्ड है, डिस्टेंस हटने पे खत्म हो गया और ये नहीं जाएगा. ओके, राइट इट डाउन देन. Now, let us see factors affecting distance वाला repeat करें. अरे physical interaction, अरे एक बात बताओ, मान लो एक बच्चा सड़क पे घूम रहा है, वो attract हो गया, बगल में एक लड़की घूम रही थी उसके तरफ. अब वही लड़की यदि इंग्लैंड में घूम रही है तो उसके तरफ attract होगा क्या? क्यों नहीं attract होगा बताओ? अरे क्या रीजन है? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दूरियां कम होनी चाहिए ना. दूरियां कम होगी तभी इस तरह के इंटरेक्शन होंगे.
दूरियां ज्यादा होंगी तो नहीं होंगे, इज दैट क्लियर? फोर्सेस डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है डिस्टेंस, तो ठीक है डिस्टेंस वाली बात तो हम करेंगे नहीं, सबसे पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इज दैट क्लियर? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का होगा तभी होता है, जैसे सबसे ज्यादा HF के केस में होगा, फिर H2O के केस में होगा, फिर NH3 के केस में होगा, ठीक है? तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग, तो एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? दूसरा क्या है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स इज सेम, देन स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये समझ में आ रहा है? जैसे H2O और H2O2 -2 -1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किधर बेहतर होगी? एवरीबडी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किधर बेहतर होगी? H2O में बेहतर होगी। ये समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसके ऊपर -2 चार्ज है ना, तो हाइड्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। ये बात सबको चमक रही है ना? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जिसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन, अरे हाइड्रोजन अट्रैक्ट ही क्यों होता था, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा, जैसे H2O और H2O2 है, तो अब हाइड्रोजन अट्रैक्ट होता है लोन के पेयर के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाइड्रोजन किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? लोन पेयर के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है, तो जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव है उसी के ऊपर अट्रैक्ट होगा ना। सिद्धेश वाज एक्सप्लेनिंग कि हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्ट होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से, दूसरे एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज यदि -2 है, जैसे इस केस में -2 है, तो वहां का जो हाइड्रोजन -2 की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा और -1 की तरफ कम अट्रैक्ट होगा, इज दैट क्लियर सिद्धेश? इज दैट क्लियर? तो यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जिस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है या फिर लोअर है, वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। इसमें किसी को और को डाउट है तो पूछ लो। इज दैट क्लियर? तो एनीबडी, दिस वॉज टूडेज क्लास, एनी डाउट इन द सेम? कोई डाउट है किसी को? जेरेड ऑर्बिटल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स को बोलते हैं सर, आयु ठीक है, कोर्स में नहीं है अभी वो। हाँ, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है एवरीडे। और किसी को कोई डाउट है? ओके, फिर गुड बाय। हाँ, MOT हो गया एडवांस के लिए, टेंशन मत लो।